नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स एमपी जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 9 मार्च 2019 का मध्य प्रदेश प्रतिदिन समसामयिक की सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इसकी पीडीएफ एवं एमसीक्यू प्रैक्टिस लिंक आप हमारे careerdeskacademy.com पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 7 मार्च 2019 तक के सारे पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब इसके आप नीचे जाएंगे तो देखिए, ये 7 मार्च तक के हमारे एमसीक्यू अपलोड हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम दो भाग शामिल करते हैं, एमपी डेली करंट अफेयर्स का और एमपी जीके का। और इस वीडियो के लास्ट में एक आपसे एमपी करंट अफेयर्स जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना होता है। और यह वीडियो आपकी आगामी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं 9 मार्च 2019 का एमपी डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में गौण सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किस जिले में किया गया है? अभी हाल ही में गौण सिंचाई परियोजना का जो शिलान्यास किया गया है, वह सिंगरौली में किया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 1,072,20,00,000 की लागत से बनने वाली गौण सिंचाई परियोजना का जो शिलान्यास किया है, वह गौपद नदी पर प्रस्तावित गौण सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना का निर्माण 4 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा और परियोजना के पूरे होने पर सिंगरौली जिले के देवसर तथा सराई जिले के 111 गांवों में जो है वो 23,800 हेक्टेयर तथा सीधी जिले के मझौली तहसील के 54 गांवों में 9,200 हेक्टेयर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। यानी जो गौण सिंचाई परियोजना है, इससे सिंचाई का लाभ कहाँ कहाँ मिलेगा, ये सिंगरौली जिले और सीधी जिले दोनों को मिलने वाला है। ये सिंगरौली जिला और सीधी जिला, और अभी जो शिलान्यास किया गया है वह कहाँ किया गया है, ये सिंगरौली में किया गया है। अभी हाल ही में भोपाल में सैनिक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? अभी हाल ही में जो भोपाल में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वह 8 मार्च 2019 को किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों का मासिक सैनिक सम्मेलन 8 मार्च 2019 को भोपाल में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए कन्फेक्शनरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जो मध्य प्रदेश के लिए कन्फेक्शनरी पार्क बनाया जाएगा, वह इंदौर में बनाया जाएगा। और इंदौर में एक कन्फेक्शनरी पार्क बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान में कौन सा संभाग प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है? ये खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान लगभग समाप्ति की ओर है और ये रीवा संभाग को इसमें पहला स्थान मिला है। और हम इसकी डिटेल देखते हैं कि खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान में रीवा संभाग प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है, साथ ही टीकाकरण में 100% उपलब्धि हासिल करने वाला प्रदेश का पहला संभाग बन गया है। और रीवा संभाग के जो कमिश्नर हैं डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव हैं। मीजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान में संभाग में लक्ष्य से अधिक 23,60,577 बच्चों को मीजल्स रुबेला के टीके लगाए गए, जबकि जो लक्ष्य था वो 23,54,698 बच्चों का टीकाकरण का था, लेकिन अधिक लगा दिए गए हैं। इस रीवा संभाग में इसलिए प्रथम स्थान पर आ गया है। और भी इसके अंतर्गत जो जिले की बात करें तो इसमें पहले तो कोई दूसरा जिला चल रहा था, लेकिन अभी जो मीजल्स रुबेला एमआर टीकाकरण अभियान में सीहोर जिले में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस अभियान के अंतर्गत 9 माह से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को मीजल्स रुबेला की बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान 15 जनवरी 2019 से संचालित किया गया है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से मोबाइल ऐप की मदद से बिना थाने जाए रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं? ये कौन सा मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से बिना थाने जाए रिपोर्ट दर्ज कराया जा सकते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका नाम है MP ECOP। ये MP ECOP नाम है इसका, और ये इसका डी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस का MP ECOP, ये लिखा भी है MP ECOP ऐप, नागरिक सुविधाओं के लिहाज से एक बहुत उपयोगी ऐप है। पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया यह ऐप नवीनतम तकनीकों के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक पुलिस स्टेशन बिना जाए
खोई हुई वस्तुओं और दस्तावेजों की रिपोर्ट किसी भी स्थान से दर्ज करवाने के पश्चात उसकी पावती तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। खोई हुई वस्तुओं और दस्तावेजों की रिपोर्ट, ऐसा नहीं कि आपके द्वारा कोई गंभीर अपराध कर दिया और दिया भी नहीं है और इस ऐप की मदद से झूठा केस दर्ज हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में प्याज का भाव कितने रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है? ये सरकार प्रोत्साहन कर रही है कि भाई ये 800 रुपए जो है वो प्याज का भाव खरीदा जाए, कि इससे क्या होगा कि दोस्तों कि किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना मंजूरी दी है और योजना में मध्य प्रदेश की सहकारी विपणन समितियां, कृषक उत्पादक संगठनों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, निजी संस्थाओं, व्यापारियों से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल से कम कीमत में प्याज ना खरीदें। और मध्य प्रदेश के जो व्यापारी हैं किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक दर पर प्याज खरीदकर प्रदेश के बाहर मंडियों में बेचेंगे तो उन्हें परिवहन और भंडारण पर होने वाले खर्चों पर 75% का अनुदान दिया जाएगा। यह सरकार ने सुविधा प्रदान की है और यदि मई और जून माह में बाजार में कीमतें 800 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे जाती हैं तो उसे पंजीकृत किसान इस अवधि में प्याज बेचेंगे तो उन्हें निर्धारित मंडियों के मॉडल विक्रय और 800 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के बीच की अंतर राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। उसका नाम है मुख्यमंत्री प्याज अनुदान योजना। तो इस वजह से दोस्तों यह प्रोत्साहन योजना है तो यह लॉन्च की गई है। और दोस्तों हम देखते हैं एमपी करंट अफेयर्स के अंतर्गत एमपी जीके का फर्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ये महिलाओं को दिया जाता है। ये निवेदिता चतुर्वेदी थी, श्रीमती निवेदिता चतुर्वेदी को विजयराजे सिंधिया समाज सेवा का पहला पुरस्कार मिला था। वो विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार वर्ष 2008 में शुरू किया गया था दोस्तों, 8 में, जो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। यह पुरस्कार प्रथम बार 2008-09 में श्रीमती निवेदिता चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में स्वर्ण जयंती शहरी जो योजना प्रारंभ की गई थी वह 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश स्वर्ण जयंती शहरी योजना, देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण हेतु 1 दिसंबर 1997 से यह योजना लागू की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी योजना के जो धन का बंटवारा है उसमें केंद्र और राज्यों के मत 75-25 के अनुपात में की गई थी, यानी 75% केंद्र सरकार देगी और 25% आपकी राज्य सरकार देगी। आप ध्यान दें, 75% जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 25% देती है। मध्य प्रदेश का वह जिला जहां डीजल रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहाँ पर डीजल रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया है? तो वह जिला है विदिशा। विदिशा है जहां डीजल रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक को जैव मंडल संरक्षित स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक को जैव मंडल संरक्षित स्थलों की सूची में 12 जुलाई 2012 को ये सूची में शामिल किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल का पहला कुलपति किसे बनाया गया था? ये जो हमारे मध्य प्रदेश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय था उसके कुलपति बनाए गए थे प्रोफेसर मोहनलाल छीपा को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। और ये 26 जून 2012 को प्रोफेसर मदनलाल छीपा को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल का पहला कुलपति बनाया गया था। होशंगाबाद में नर्मदा जल योजना का शिलान्यास कब किया गया था? होशंगाबाद में नर्मदा जल योजना का जो शुभारंभ किया गया था वह 15 अप्रैल 2012 को किया गया था। ये आप ध्यान दे सकते हैं कि नर्मदा में जो किया गया था शिलान्यास वो 15 अप्रैल 2012 में किया गया था। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पिपरिया में केंद्र सरकार के सहयोग से निर्मित होने जा रही नर्मदा जल योजना का पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और केंद्र सरकार के सहयोग से नर्मदा जल योजना का शिलान्यास किया गया था। देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग से कृषि बजट कौन से वर्ष के लिए पेश किया गया था?
ये वर्ष 2012 में जो है वो पेश किया गया था, और वर्ष 2012-13 के लिए यह पेश किया गया था मध्य प्रदेश सरकार में, और यह पहली बार देश में बजट पेश किया गया था, वो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, कृषि बजट अलग से, और मध्य प्रदेश बजट 2012-13 के बजट में अलग से कृषि सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए 9,889.1 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान जो है कृषि एवं अन्य सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया था। दोस्तों हम जो 8 मार्च 2019 का वीडियो अपलोड किया था उसमें 7 मार्च 2019 का क्वेश्चन जो आंसर के लिए हम उसमें शामिल नहीं कर पाए थे। और दोस्तों आपसे ये कहते हैं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक से दोस्तों पता चलता रहता है कि हमारा जो वीडियो बन रहा है वो हाँ ठीक ठाक बन रहा है। तो मध्य प्रदेश में प्रदेश का पहला भारत माता मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? जो मध्य प्रदेश में प्रदेश का पहला भारत माता मंदिर स्थापित किया गया है वह उज्जैन में किया गया है दोस्तों। अब तो भोपाल में भी बनने लगा है। और मध्य प्रदेश प्रदेश का पहला भारत मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? यह उज्जैन में स्थापित किया गया था। 7 मार्च 2019 का यह आंसर है। अब देखते हैं हम 8 मार्च 2019 का जो आंसर है जो पूछा गया था आपसे कि मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल जिलों की प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस प्राचीन जनजाति भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? यह लिया गया है गोंडी, ये गोंडी लिया गया है दोस्तों। अभी हाल कमलनाथ सरकार द्वारा लिया गया है और यह हम एमपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में शामिल नहीं कर पाए थे, इस वजह से हमने ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और यह पूछा था 8 मार्च 2019 के वीडियो में। और गोंडी सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ 12 मई 2012 को चिचोली बीतोल में किया गया था। ये अलग फैक्ट है, गोंडी से संबंधित है तो ये क्वेश्चन ये शामिल हो गया है कि गोंडी सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ 12 मई 2012 में चचौली बैतूल से किया गया था। अब देखते हैं हम जो 9 मार्च का 2019 का आपसे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा मोबाइल अपलोड किया गया है? मतलब कौन सा मोबाइल मतलब अपलोड किया जाएगा या मतलब जो है वो लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और या फिर गूगल प्ले पर अपलोड किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आप मान के चले। तो बैडमिंटन खिलाड़ी से संबंधित है और शिकायत दर्ज कराने के लिए यह आपको बताना है। ये उपाय, अरमान, लक्ष्य, बिंटन, ये चार में से एक ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और दोस्तों आपकी एमसीक्यू और पीडीएफ डाउनलोड कर लें, इसकी लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और इसकी सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारी फरवरी माह की हमारी वो ई मैगजीन है, MP-E मैगजीन है, भाई हम जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वैसे आपकी जो जनवरी माह की है उसकी अभी डाउनलोड हो रही है। और दोस्तों अब आचार संहिता लग गई है तो आपके MP जो PSC का है वो तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन संभवतः जल्द ही ये जो लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तो जून जुलाई में इसके जो है वो नोटिफिकेशन आएगा और अगस्त में इसके एग्जाम होंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार MPPSC की जगह नहीं निकालेगी दोस्तों। आप अपनी तैयारी रखें और जो भी व्यापम है उसके अनुसार तैयारी करें। तो अभी से दोस्तों जो है आप अपनी लगातार प्रयास करते रहें, डेली प्रयास करते रहें। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।